बढ़ते हैं आगे। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी स्नेहा राणा से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनके खेल के प्रदर्शन एवं देश को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें सम्मानित किया। और देखिए इस दौरान की तस्वीर है जब स्नेहा राणा और सीएम की मुलाकात हुई और उस दौरान दोनों ने आवास पर मुलाकात की और सीएम धामी ने उनकी काफी तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच मुलाकात ने उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि हरीश रावत खुद कह चुके हैं कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। सतपाल महाराज के साथ आए थे बधाई देने के लिए और हमारी निजी वो आए, हमने उनका स्वागत किया। बाकी इसका कोई सियासी मायने नहीं है और रावत जी ने बहुत समय के बाद जो है वो आए, हमारे घर में पधारे और यहाँ पर थोड़ा सा भोजन भी उन्होंने किया और विचार विमर्श हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके। वो आए थे और इसका कोई सियासी मायने नहीं है। देखिए जिन्होंने मुलाकात की वही बता सकते हैं कि सामान्य मुलाकात है या कुछ और है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं कि रावत जी ही उनका उद्धार कर सकते हैं, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार नहीं हुआ है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच जो है वो सोच जो है इस बात को परिलक्षित करती है कि भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि तदनुसार आगे बढ़ने। उधर कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके लिए दूसरे जिलों के विधायकों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बनने के बाद आई हूँ और जो मेरा दृष्टि पत्र है वो विजन बहुत सोच समझ के रखा गया। ऐसे मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि इलेक्शन में रख दो और उसके बाद भूल जाओ। बहुत सोच समझ कर वो दृष्टि पत्र मैंने जनता के बीच में रखा है और उस पर हर एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, कणव नगरी को किस तरह से भारत के मानचित्र पर लेकर आए उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। वहीं रुड़की में किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि धामी सरकार किसानों के हित में काम करेगी। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में बैठक कर रणनीति तैयार की। किसान आंदोलन के चलते यहां पर लगभग भाजपा के 5 विधायक हारे। किसान आंदोलन का बड़ा भारी विरोध इस जिले में चल रहा था भाजपा का, तो उसके मद्देनजर हम संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और संगठन को और धार देने की जरूरत है। जब भी जाएगा किसानों की जो समस्याएं वे हम उठाने के लिए, उन्हें मनवाने के लिए हम मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना।